याद रखिए, कुरान के फैसले के मुताबिक तमाम हस्तियों से बढ़कर हमारे दिल में मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की होनी चाहिए। रसूलुल्लाह से बढ़कर, हजरत अली से बढ़कर, इमाम हसन और हुसैन, अहले बैत अतहार की तमाम हस्तियों से बढ़कर मोहब्बत, सबसे शदीद मोहब्बत मोमिन को किसके साथ होती है? अल्लाह के साथ होती है। अगर किसी को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत होगी रसूलुल्लाह से, उसकी हालत खतरे में। अगर किसी कोई अल्लाह ताला से ज्यादा नर्म और रहमत वाला समझ रहा है, किसी मुकद्दस हस्ती को, अहले बैत को ज्यादा नर्म दिल समझता है अल्लाह से, इसकी तौहीद में खराबी है। यहां पर अपनी इस्लाह करने का मौका कुरान मजीद की आयात की रोशनी में। कुरान क्या कह रहा है कि वो लोग दीगर हस्तियों को अल्लाह के बराबर करार दे देते हैं, और किस मामले में? यहां पे खास तौर पर उनसे उस तरह मोहब्बत करते हैं। याद रखिए, अहले बैत ने यही तालीम दी है जो कुरान की तालीम है। लेकिन आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अगर अल्लाह का जिक्र किया जाए उनको मजा नहीं आता, लेकिन अगर मुकद्दस हस्तियों का जिक्र किया जाए उनको बहुत मजा आता है। ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, इस बीमारी का इलाज करना जरूरी है। इसलिए कि जिससे मोहब्बत हो उसका जिक्र सुनने में तो लज्जत आती है। और कुरान ये कह रहा है कि ईमान वाले सबसे ज्यादा अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 65 है। इंशाल्लाह कि आपके सामने, सुनने वालों के सामने ये खुली होगी, और जो ये ऑनलाइन हजरात सुन रहे हैं, इंशाल्लाह इनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस दर्स को सुनते वक्त अपने सामने तर्जुमे वाला कुरान खोल के रखें, ताकि आपको इत्मीनान हो कि जो बात की जा रही है वही आपकी नजरों के सामने भी मौजूद है। दोबारा इस आयत का तर्जुमा पढ़ रहा हूं। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका मद्द मुकाबिल करार दे देते हैं। और अब ये यहां पे मद्द मुकाबिल करार देने से क्या मुराद है? उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए, जबकि ईमान वाले तो सबसे ज्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं, और फिर अल्लाह की मोहब्बत के साए में उनकी सारी मोहब्बतें होती हैं। अल्लाह के नबी से क्यों मोहब्बत? इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। अहले बैत अतहार से क्यों मोहब्बत? इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। उनकी सारी दोस्तियां भी और उनकी सारी दुश्मनियां भी अल्लाह वाहदहु ला शरीक की खातिर हो जाती है। ये है हकीकी ईमान।